हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सक्शन कैथेटर्स के बारे में, जो कि हमारे वाइवा, स्पॉटिंग, डिमोन्स्ट्रेशन सारे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए और किस नंबर का कैथेटर, किस साइज का, कितने नंबर, कितने कलर, ये सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सक्शन कैथेटर होता क्या है। तो मेनली ट्यूब है एक तरह का, जिसका यूज करते हैं ब्लड को, पस को और जो भी फ्लूड है उसको सक करने के लिए। यानी यहाँ मेरा हाथ में मान के चलिए ऑपरेशन हो रहा है, खूब सारा ब्लड इकट्ठा हो गया, तो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ रखेंगे और वो पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक मशीन होता है उसमें कर जो है जमा हो जाएगा। तो यहाँ तो साफ हो गया, तो मेनली ये पस, फ्लूड, ब्लड और जो भी सब्सटेंस है, फ्लूडिक सब्सटेंस, उसको बाहर करने के लिए, सक करने के लिए यूज किया जाता है। सक्शन कैथेटर यही है, यानी एक कैथेटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं पस, ब्लड, फ्लूड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सक करने के लिए। अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो पार्ट्स में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ये कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, जो कि आपका ये जो है फनल कनेक्टर है। और यहाँ पे ये जो कलर दिया गया है वो मेनली पहचानने के लिए है कि किस साइज का कैथेटर कैसा होगा। यहाँ ये जो दिख रहा है वो पूरा ट्यूबिंग है, जो कि पीवीसी से बना होता है। और यहाँ पे छोटा सा होल रहता है जिसे लेटरल आई कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, आपको आसानी से दिख जाएगा। अब हम लोग इसका साइज समझते हैं कि किस कलर का जो कैथेटर है वो कितने नंबर का होगा। 5 नंबर का कैथेटर ग्रे कलर का होगा, 6 नंबर का कैथेटर लाइट ग्रीन कलर का होगा और 8 नंबर का कैथेटर ब्लू होगा, 10 नंबर का ब्लैक होगा, 12 नंबर का वाइट होगा, 14 नंबर का ग्रीन, 16 नंबर का ऑरेंज, 18 नंबर का रेड, 20 नंबर का येलो, 22 नंबर का वायलेट। तो जैसा आपने यूरिनरी कैथेटर में पढ़ रखा था वैसा ही सेम कलर कोडिंग सक्शन कैथेटर के लिए भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, दोनों लगभग सेम है, तो ये भी आपका उसी की तरह है, तो एक याद कर लीजिए, दोनों काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कलर कोडिंग आप लोग समझ गए। ये भी वही सेम है कि लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वायलेट, लाइट ब्लू, तो ये सारे नंबर के सक्शन कैथेटर्स होते हैं, इस कलर के होते हैं। मेनली यही लिखना होगा, थोड़ा यूज लिख दीजिए किस काम में यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया के टाइम, ऑपरेशन के टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडर में, अगर वहाँ पे फ्लूड इकट्ठा होने वाला है, फ्लूड डिस्चार्ज होने वाला है, ब्लड निकलने वाला है, पस वगैरह ड्रेन करना है, तो इस टाइम में भी ये जो है यूज कर सकते हैं सक्शन कैथेटर का। अब आता है हमारा ये आईवी सेट, जो कि आपके वाइवा प्रैक्टिकल में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका डायग्राम तो आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो आईवी सेट होता क्या है? तो ये एक तरह की ट्यूबिंग है जिसका इस्तेमाल करते हैं फ्लूड एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, वीगो पड़ा है नस में, वेन में, तो वेन में ये क्या करता है, यहाँ कनेक्ट होगा और बॉटल जो फ्लूड है उससे कनेक्ट होगा। तो कनेक्टिंग ट्यूब है, कनेक्शन बना रहा है, फ्लूड एडमिनिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है निडिल। ठीक, फिर ये जो आपका है ये क्या है, तो यहाँ पे जो है फिल्टर भी लगा होता है और यहाँ पे क्या है, तो ये ड्रिप का पोर्ट है, यहाँ पे कनेक्ट होता है वो। तो यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शन का देख लिया आप, ये पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वो ट्यूबिंग है, ये रेगुलेटर है, यहाँ पे फ्लो रेगुलेटर, यहाँ भी निडिल है आपका ये। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे डायग्राम से भी अच्छे से समझ लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये रेगुलेटर है। ठीक है, जिससे इसका जो है फ्लो रेट आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कैसा डिलीवर करना है फ्लूड। ये बोटल इंड्यूसर है जिसे स्पाइक भी कहते हैं, ये चैम्बर है। ठीक है, जहाँ पे आपका वो फ्लूड आके जमा होता है, फिर इस ट्यूब से पेशेंट के बॉडी में जाता है। ये ट्यूबिंग है यानी लाइन है। ठीक, इसके बाद देखें तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये निडिल अटैच होता है, ये रबर गार्ड है जो कि पेशेंट के कैनुला से अटैच होगा, ये रेगुलेटर, ट्यूबिंग, चैम्बर और ये स्पाइक, बोटल इंट्रोड्यूसर समझ गए, ये कैनुला एंड है यानी यहाँ पे निडिल अटैच होता है, ये निडिल है। तो ये फिगर से भी आप समझ गए।
एक और फिगर इसमें डिस्कस कर लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो पोर्शन है वो स्पाइक है, फिर एक्सेस पोर्ट है, ड्रिप चैम्बर है, फिल्टर होता है, फिर ये वीट्रैक है जिसे रेगुलेटर भी कहते हैं, इंजेक्शन पोर्ट है, यानी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाई पोर्ट, ये अभी फ़िलहाल नए वाले में आता है, जो भी आपका आईवी सेट है उसमें आप इसके थ्रू भी मेडिकेशन दे सकते हैं। थोड़ा फोल्ड करना पड़ता है जो यहाँ पे ट्यूबिंग है, उसके बाद यहाँ से भी आप दे सकते हैं मेडिकेशन। ये सारी ट्यूबिंग्स हैं, ये पोर्ट है जहाँ से कि मरीज़ के कैनुला में आप जो है इस ट्यूब को अटैच कर देते हैं। तो आप ये सारे पार्ट्स को याद कर लीजिए कि एक होता है लियोर कनेक्टर, मरीज़ के कैनुला से कनेक्ट होगा, फिर ट्यूबिंग्स होती हैं, इंजेक्शन पोर्ट होता है, रेगुलेटर होता है, स्पाइक होता है, और एक्सेस पोर्ट, ड्रिप चैम्बर, फिल्टर, रेगुलेटर, यही सब मेन पार्ट्स हैं। तो यही हमारा आईवी सेट है, एक बार इससे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, तो प्रॉपर आईवी सेट है। तो हम लोग एक एक करके इसके पार्ट को समझते हैं। तो ये हमारा कहाँ कनेक्ट होता है, तो बॉटल में कनेक्ट होता है, ठीक। ये स्पाइक है, ये एक्सेस पोर्ट है, ऐसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब ऐसे इसको क्लोज रखते हैं, ओपन करते हैं एज पर नीड, जैसा ज़रूरत हो उसके अनुसार। फिर एक्सेस पोर्ट है, ये ड्रिप चैम्बर है, ये चैम्बर है, यहाँ इसको ऐसे दबा देते हैं पूरा फ्लूड भर जाता है। ये ट्यूबिंग है, यहाँ पे फिल्टर है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये चैम्बर है, ये फिल्टर है, समझ गए इसको, ये फिल्टर, ये पूरी जो है ये ट्यूबिंग है, क्या है, तो ये ट्यूबिंग है, ये लंबा सा आपको इतना दिख रहा है ट्यूबिंग। फिर ये आता है रेगुलेटर, ये क्या है, रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है अगर आप नीचे करते हैं तो ये बंद हो जाता है, नीचे किए बंद हो गया, ऊपर किए जितना ऊपर करेंगे उतना स्पीड से फ्लूड जाएगा पेशेंट के बॉडी में, नीचे करेंगे ये बंद होगा, ऊपर करेंगे चालू होगा। यहाँ तक समझ गए। ये आपका क्या है, ये जो पोर्शन है वो वाई पोर्ट है, इसमें आप इंजेक्शन जो है सिरिंज से ऐसे इंसर्ट करके और यहाँ पे फोल्ड करके आप बहुत ही आसानी से मरीज को कोई भी दवा, कोई भी फ्लूड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ओपनिंग है, नीडल इंसर्ट करके इंजेक्शन का और कर सकते हैं, लेकिन एक साइड में आपको ये फोल्ड करना पड़ेगा। फिर ये भी ट्यूबिंग है आपका, ये जो है हमारा यहाँ पर ये नीडल है जो कि ऐसे दिया रहता है, अगर बॉटल पचक रहा है, एयर आ गया तो उसमें आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए रहता है। तो ये नीडल है, ये जो है ये क्या है, तो ये कनेक्टर है, लियोर कनेक्टर, मान के चलिए ये वीगो है, ठीक है। ये वीगो जो है वो पेशेंट के ये में अटैच है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसमें अभी समझते हैं बहुत ही अच्छे से, ये समझ, देखिए ये जो हमारा है वीगो है, इसका ये कैप निकालते हैं और कैप निकालने के बाद इसको आराम से ऐसे अटैच कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, तो वीगो का पोर्शन जो है कैनुला का, इससे पीछे से अटैच हो जाता है, ठीक। ये जो कैनुला होगा वो पेशेंट के वेन में होता है और ये जो पार्ट है वो कैनुला से अटैच होता है। तो ये हम लोग समझ गए अच्छे से कि ये क्या है, तो ये स्पाइक है, ये एक्सेस पोर्ट है, ये पूरा चैम्बर है, यहाँ फिल्टर है, ये पूरी जो है वो ट्यूबिंग है, ये जो पोर्शन है वो रेगुलेटर है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाई पोर्ट है, ये भी ट्यूबिंग है, और ये क्या है, तो ये लियोर कनेक्टर है जो कि कनेक्ट होगा कैनुला से, ये नीडल दिया रहता है, ठीक है। तो यही मेल आईवी सेट का पार्ट है। तो आईवी सेट आप समझ गए, ब्लेड्स के बारे में समझ गए, नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, स्पाइनल नीडल और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि स्पॉटिंग में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, वाइवा में और एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर सारी नई नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।